राधा राम की जय हो गाइस। आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, सुबह सुबह आँख नहीं खुली भाई। मैं हमेशा इस आदमी को फ़ोन करता था, बाबा 6:30 बजे फ़ोन करके बोल रहा है चलना नहीं है क्या यार। मैं पहले नहीं कर सकता यार, कर लिया कर यार फ़ोन। अरे वो फ़ोन करके बोल रहा था कि छुट्टी है क्या, पहले नहीं कर सकता फोन। 6:30 बजे फोन करके बोल रहा है आज की छुट्टी है क्या। और यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये देख इनका जाने का टाइम आ गया। वो देख भाई खतरनाक काम, ये क्या क्या ये इसको गूदर पहन के आ गया। इधर देख बच्चों को, यू यू क्या हो बड़ा ये इस हिसाब से तेरे को नंगा घूमना चाहिए, कॉलोनी का मालिक है तू। आज लेट तो हो ही गए थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे। फिर हमने एक चैलेंज लिया छोटा सा, क्यों ना आज हम उस चैलेंज को कंप्लीट करें। और यहाँ पर सीधा वार्म अप करने के बाद तुरंत बाबा वहाँ पर एक्सरसाइज लगा रहे थे भाई साहब। 108 तो पहले आ चुके थे, 3008 और मैं आए थे, लेकिन मैं वहाँ पर वार्म अप करना स्टार्ट कर देता हूँ। बाबा 3008 कहीं और वार्म अप करना स्टार्ट कर देते, जल्दी जल्दी तगड़े तरीके से वार्म अप कर लेते हम। और फिर हम आज 150 डिप्स का चैलेंज लेकर चलते हैं। और भाई साहब जैसे तैसे करके 150 डिप्स हम कंप्लीट कर देते, काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई साहब। लेट हो गए तो भाई साहब यहाँ पर अच्छी वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। बाबा स्टार्ट ताली के साथ, इधर एक और वीडियो बन रही है। पैर भी उठने चाहिए, नहीं उठे रहे हाथ ही उठे रहे। वाह ये लग भी उठी यार, थोड़ी नहीं करो योगा बाबा ने तो हार मान ली। अब माहौल मत बिगाड़ा तो मत। और ये बढ़िया धूल लटकाते हुए बढ़िया खड़ा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अलग अलग तरीके से डिप्स को लिया था और यहाँ पर सभी डिप्स इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी हमारे ऊपर। तो हमने ना डिप्स को कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चैलेंज लिया था और चैलेंज जब तक पूरा नहीं करे तब तक हमें मज़ा नहीं आता। उसके बाद थोड़ी बहुत लेग की एक्सरसाइज लेते हैं, फिर है ना ये सारा का सारा अखाड़ा थोड़ा सा खराब हो गया था, मैं इसको खोदना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर सारे अखाड़े को खोद करके सेट कर देते हैं अखाड़े को, एंड यहाँ पर कल से हम थोड़ा सा जल्दी आने का प्रयास करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बाइसेप्स लेना स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ये सब एक्सरसाइज ले करके हम एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। आज ये वाली एक्सरसाइज लगाएंगे हम, पेट की जितनी भी हैं ये आपको दिखाई दे रही होंगी इधर, ये सारी की सारी एक्सरसाइज लगेंगी आज अभी राइट नाउ। अब इनको लगा लेते हैं, पीछे देख लो भाई साहब कुश्ती चल रही है इधर, हम जितनी भी पेट की हैं सारी की सारी ये पेट की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं अभी जस्ट। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत हार्ड एक्सरसाइज होने वाली आज। अब 3008 वाली एक्सरसाइज, ये भी अक्षय कुमार बनेगा मानेगा नहीं, तू मुँह का है तू आज दिखा जलवा, मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा। बाबा एक उधर लगा रहा सवाल, क्या एक्सरसाइज लगा रहे हो बने वो अक्षय कुमार। ले रुको ये फेंक रहा हूँ मैं, रोक इसको ले। ये है रिजल्ट अपना। और भाई साहब इस बात पे एक ही बात कहना चाहेंगे, भोले बाबा जी का किसी में दम नहीं, देसी किसी से कम नहीं, जय हरियाणा जय भारत। मौज मस्ती के तुरंत बाद हम अपनी पेट की एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करते हैं, जो आपको बताई थी सभी की सभी एक्सरसाइज यहाँ पर हम खत्म करते हैं। ओ भाई साहब ये डोरेमोन का बैग निकलेगा ये देखना भाई साहब, अब एक ओहो तेरी टोपो गया बे, ये टोपो मिल गया। अभी है ना बाबा 3008 का एग्जाम था कल, तो एग्जाम में आया था महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठे अपने गंतव्य स्थल से अपने अंतिम स्थल तक कैसे पहुंचे। तो बाबा 3008 को प्रश्न तो जवाब तो आता नहीं था, 3 पेज भरना था कंपलसरी थे, तो बाबा ने भरना स्टार्ट कर दिया महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठे, और लास्ट वाले पेज पे 3 पेज के लास्ट वाले पेज पे लिख दिया अंतिम स्थल पर पहुंचे। अब सोच कर देखो बीच में क्या लिखा होगा, बीच में कुछ नहीं सिर्फ टक भग टक भग टक भग टक भग, दो पेज तो चला 2 किलोमीटर। जब हमें देखने को मिला भूत, देखो भाई साहब अपने आप चल रही हो भाई, ये क्या है आत्मा कर रही है आत्मा। रोक ले इसको, रोक ले भाई आप है ना, चुपचाप चलो यहाँ से चुपचाप चलो, भूत भूत आ जाएगा। अरे भाई ये क्या वजह चल रही है, ओ भाई बाबा क्या है तुमने क्या पाल लिया यहाँ पे, इसमें भूत हवा में आते क्या पाल लिया तुमने, भूत पाल रखे यहाँ पे,
कुछ खाने पीने को देते हो इनको? देते यार, तुम भी वैसे ही 2 रुपए दे देते हो, अपने हिसाब से खा जाते हो। सुबह सुबह बैठती हूँ उनका उच्चारण याद आती, घर वाली याद आती इस आदमी को। अरे क्या करे यार, करने की तो घर वाले के देखने लग जाए। घर पे आती मैं थोड़ी डाइट लेता हूँ, तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को डाइट देता हूँ भाई साहब, उसके तुरंत बाद मैं लेता हूँ, फिर मैं भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ काम करने के बाद में। आज हमने भगवत गीता में पढ़ा कि यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब कि जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रचंग ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। आज मैंने मलाई के साथ में रोटी खाई थी, काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग मलाई के साथ में रोटी खा लेते, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही थी भाई साहब। गाइस मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, ये देखो, नहीं जा पाएंगे राम मंदिर और ये कंप्लीट आज की लौकिक तौर पर जाकर एक बार चेकआउट कर लो, काफ़ी खतरनाक वीडियो है। अगर किसी को राम मंदिर जाना है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लौकिक तौर पर 5 बजे ये वीडियो आउट हो गई है। शकरकंदी आ चुकी है और कैसे खाता हूँ मैं आपको पता ही है, नहीं पता मैं बता दूँ, इसके अंदर आएगा दूध, इसको छील करके दूध के अंदर डाल के फिर खाऊंगा। आप बताओ कॉमेंट सेक्शन में आप में से कितने सारे लोग जैसे मैं शकरकंदी खाता हूँ, यहाँ पर रतालू बोला जाता है, तो आप कैसे खाते हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ये देखो भाई साहब, ऐसे खानी चाहिए, देसी डाइट है ये। इसी बात पे बोले बाबा जी साहब, किसी में दम नहीं, देसी किसी से कम नहीं। हरियाणा जय भारत। भाई साहब ये ले लिए अटरम शटरम, भाई से लिए जय सिया राम बोली और ले तेरे 5, तेरे 2 रह गए। इधर तो पिक्चर चल रही है मौत की, मेरे जरिए देखो। वाह सब, हमारे घर में आज फिर से दर्जी जागृत हो गया, सारा सामान इधर उधर करवा दिया है ये मशीन चलवाने के लिए। अब यहाँ पर स्टूल रखेंगे, घर में सर दर्द रहेगा मेरा। अब ये लगाते रहो पागलों की तरह, कभी इसका कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा, बस यही काम है मेरे को। अब इसके अंदर ये मशीन सेट करो और उसके बाद फिर इसका फायदा भी। वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो थोड़ी सी पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप आए मंदिर के अंदर रात को और मंदिर में भगवान श्री राम की और हनुमान जी की और भगवान भोलेनाथ की पूजा करके हम काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर बाबा 3008 और 1008 भी आए थे हमारे साथ में। एंड वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ, भारत माता की जय, जय श्री राम।